आज का जमाना तंत्र ज्ञान और विज्ञान का है और इंटरनेट यहाँ पर प्रगति के शिखर पर है। मुंबई के मानखुर इलाके में साठी नगर बस्ती में इंटरनेट का उपयोग यहाँ के युवक भरपूर ले रहे हैं। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन सूचना का प्रजातांत्रिकरण किया है। हर किसी को समान तरह की जानकारी मिलती है। आपका सामाजिक तबका या आर्थिक तबका कुछ भी हो, समान जानकारी मिलती है। यहाँ पड़ोस में एक दुकान था, उधर वाईफाई लगाया था, उधर सब वो 100-100 रुपए लेके उनको चलाने के लिए दे रहा था। तो मैंने भी उधर 2 महीना चलाया, तो मैं रोज उधर में जाता आता था ना। मेरे माइंड में आया कि मैं दोस्तों के बात करके अपने घर पे एक वाईफाई लगा। तो हमने ऐसा करके 2 महीने में पैसा जमा किया और एक वाईफाई लगाया, तो उसका महीने का 500 रुपया हमको मिल आता है। तो हम दोस्तों गली में बांटते हैं ना, उनसे हम 100-100 रुपया लेते हैं और वही फिर हम जैसे व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। गाँव में भी मैं वॉइस कॉल करता हूँ, इसलिए मेरे को अभी गाँव जाना आना मैं जाता नहीं, अभी पहले बहुत जाता था। जिसको अब क नहीं आता था वो अब ABCD लिख रहा है। इंटरनेट यूज करने की वजह से युवकों में कुछ अच्छे बदलाव हुए दिखाई देते हैं। बड़े बड़े बुक लेके वो जाना पड़ता था स्कूल में, अभी तो वो ऑनलाइन पे वो ई बुक भी अपन डाउनलोड कर सकते थे, अभी वो भी पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल में। अंग्रेजी अभी सीखने के लिए तो बहुत सारे ऐप भी आए इंग्लिश स्पीकिंग के। युवकों को प्रगतिशील बनाने में इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। इंटरनेट की वजह से यह युवक तेजी से अपनी हुनर को आजमा रहे हैं। इधर से 5 किलोमीटर हमको टिकट निकालने के लिए जाना पड़ता है, फिर उधर टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती, तो लाइन में फिर भूखे प्यासे हम उधर खड़े रहते, फिर उधर हमको टिकट मिलता या नहीं मिलता वो हमको मालूम नहीं। तो इसलिए अभी इंटरनेट इतना आसान है कि हम इंटरनेट पे देख सकते कि टिकट है जगह पे हम बुक करते कितने दिन के बाद है, वो भी पता चल रहा है। ट्रेन कभी की वो भी मालूम है। पैसा भेजने के लिए तीन दिन जाते 4 दिन जाते, वे मनी ट्रांसफर इंटरनेट पे क्लिक करो, पैसा 10 मिनट या 2 मिनट में पैसा उधर मनी ट्रांसफर हो जाता है। गाँव में कपड़े शॉपिंग पहले दुकान में करते, स्टोर में करते, अब हम घर बैठे बैठे करते। तो जॉब चाहिए रहेगा, अच्छा तो उसको सर्च कर सकते हैं, कोई भी जॉब आसानी से मिल सकता है। वाईफाई की वजह से काफ़ी फायदा है। साठी नगर के युवक यह मानते हैं कि इंटरनेट यह एक मनोरंजन का जरिया नहीं है, यह एक पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस में सहायता करने में हमारी मदद करता है। और साठी नगर के युवक इस इंटरनेट का अपने जीवन में भरपूर फायदा उठाकर ले रहे हैं। मुंबई से अमोल लालजरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।